देश में इंटॉलरेंस पर तेज होती बहस के बीच अनुपम खेर की अगुवाई में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया जा रहा है। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल है जिसमें कई कलाकार, साहित्यकार और फिल्मकार हैं। अनुपम खेर इस मुद्दे पर सम्मान वापसी करने वालों के खिलाफ इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। मधुर भंडारकर, गायक अनूप जलोटा, मालिनी अवस्थी, साहित्यकार नरेंद्र कोहली, दया प्रकाश सिंह, पत्रकार लेखक मधु किश्वर समेत कई बड़े नाम मार्च में शामिल हैं। इसे मार्च फॉर इंडिया का नाम दिया गया है। ये लोग राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस मौके पर अनुपम खेर ने कहा कि वो देश की छवि खराब करने के लिए की जा रही साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत एक सहनशील देश है और इसी संदेश के साथ हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। खेर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का अनुरोध किया है ताकि मार्च फॉर इंडिया में शामिल लोग अपने विचार पीएम से साझा कर सकें। इंडिया इज अ वेरी वेरी टॉलरेंट कंट्री दैट सम पीपल हु आर ट्राइंग हु हैव कॉइंड दिस वर्ड एज इफ दिस वर्ड डिड नॉट स्टे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द वर्ड इज इनटॉलरेंस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंक लाइक दैट। And we are secular people. We don't believe in pseudo secularism or selective outrage or selective patriotism. We believe that we have our problems. I'm sure every country has its problems. Every country goes through all upheavals. But nobody has the right to call our country intolerant. That is what is important to be conveyed to the president. इससे पहले अनुपम खेर ने सम्मान वापसी करने वालों को आड़े हाथों लिया। खास तौर पर वो अरुंधति राय पर बेहद नाराज दिखे। अरुंधति के सम्मान वापस करने के सवाल पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि अरुंधति राय ने हमेशा हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान की बुराई की है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।